नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी टीवी भारत। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में शामिल 6 दोषियों को रिहा कर दिया है। इसके साथ ही इस मामले में सभी 7 दोषी अब रिहा हो गए हैं। इसी साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य दोषी एजी पुरारीवलन को आर्टिकल 142 का हवाला देते हुए रिहा कर दिया था। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि जिस नियम के तहत एजी परारीवलन को रिहाई दी गई है वह इस मामले में दोषी पाए गए अन्य पर भी लागू होती है। वे सभी आरोपी करीब 31 साल से जेल में बंद थे। आपको बता दें कि राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 के तमिलनाडु के श्री पेरुबंदूर में आत्मघाती बम धमाके में हुई थी। आइए जानते हैं कोर्ट ने जिस अनुच्छेद 142 के तहत आरोपियों को रिहा किया है वो क्या है। राजीव गांधी की हत्या से लेकर अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ, आखिर कोर्ट ने क्यों इन दोषियों को रिहा कर दिया, राज्य सरकार ने किस नियम के तहत दोषियों की रिहाई की मांग की थी। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुबंदूर में चुनावी रैली के दौरान एक महिला आत्मघाती हमलावर ने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया था। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी मारे गए थे। महिला की पहचान धनु के तौर पर हुई थी। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें पिरारीवलन, मुर्गन, संथन रविचंद्रन, रॉबर्ट पायस, जयकुमार और नलिनी श्रीहरन शामिल थे। 1998 में टाडा अदालत ने पिरारीवलन, मुर्गन, संथन और नलिनी को मौत की सजा सुनाई थी। राहत नहीं मिलने के बाद पिरारीवलन और अन्य दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। साल 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा। 2014 में इसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। 2008 में जब जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने कैबिनेट से 7 दोषियों की रिहाई के लिए प्रस्ताव पास किया, जिसे राज्यपाल को भेजा गया था। राज्यपाल ने उसे राष्ट्रपति के पास भेजा। तब ये मामला लंबित था। 2018 में फिर से तमिलनाडु सरकार ने दोषियों की रिहाई के लिए प्रस्ताव पास करके राज्यपाल के पास भेजा था। इसी बीच दोषी पिरारीवलन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसी साल मई में पिरारीवलन की याचिका पर सुनवाई करते हुए अनुच्छेद 142 का हवाला देते हुए रिहा कर दिया गया। इसके बाद अन्य 6 दोषियों ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शुक्रवार को पिरारीवलन के मामले में दिए गए फैसले को अन्य सभी दोषियों पर लागू करने के आदेश दिए। पिरारीवलन के मामले में न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया था। पिरारीवलन को रिहा करने का आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा, राज्य मंत्रिमंडल के प्रासंगिक विचार विमर्श के आधार पर रिहाई का फैसला किया था। अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए दोषी को रिहा किया जाना उचित होगा। इससे पहले 10 मई को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्यपाल की ओर से दया याचिका का निस्तारण न करने पर टिप्पणी की थी। कहा था, प्रथम दृष्टया राज्यपाल का ये फैसला गलत और संविधान के खिलाफ है, क्योंकि वे राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश से बंधे हैं। उनका फैसला संविधान के संघीय ढांचे पर प्रहार करता है। संविधान में सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 142 के तौर पर विशेष शक्ति प्रदान की गई है। इसके तहत न्याय के लिए कोर्ट जरूरी निर्देश दे सकता है। अनुच्छेद 142 के मुताबिक जब तक किसी अन्य कानून को लागू नहीं किया जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि होगा। इसके तहत कोर्ट ऐसे फैसले दे सकती है जो लंबित पड़े किसी भी मामले के पूर्ण करने के लिए जरूरी हैं। कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश तब तक लागू रहेंगे जब तक इससे संबंधित प्रावधान को लागू नहीं कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता चंद्र प्रकाश पांडे कहते हैं, अनुच्छेद 142 के तहत कहा गया है कि किसी मामले में भले ही कानून न बना हो, लेकिन पूर्ण न्याय की परिभाषा के तहत शीर्ष अदालत कोई आदेश पारित कर सकती है। दरअसल कोई भी कैदी राज्य सरकार की निगरानी में होता है। ऐसे में राज्य सरकार देखती है कि किसी कैदी का कैसा आचरण है। उम्र कैद की सजा पाने वाले कैदियों को कम से कम 14 साल जेल में रहना ही पड़ता है। हाँ, इसके बाद ये सजा 16 साल, 30 साल या ताउम्र भी हो सकती है, लेकिन 14 साल के बाद अगर राज्य सरकार सजा खत्म करने की अपील करती है तो उसकी सुनवाई की जा सकती है। इस मामले में यही हुआ। राजीव गांधी के हत्या के दोषी 7 मुजरिम 31 साल से जेल में बंद हैं। ऐसे में सजा की एक लंबी अवधि वे पूरी कर चुके हैं।
राज्य सरकार ने अनुच्छेद 161 के तहत इन दोषियों की रिहाई के लिए प्रस्ताव पास किया था। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के पास किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने या निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति होती है। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा जाता है। राज्य सरकार के प्रस्ताव को मानने के लिए राज्यपाल बाध्यकारी होते हैं। जानिए कब कब हुआ अनुच्छेद 142 का प्रयोग। 219 में अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मामले में फैसला देते हुए कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया था। तब कोर्ट ने इस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए मस्जिद बनाने के लिए भी अलग से जमीन के आवंटन का आदेश पारित किया था। 2021 में एक दलित छात्र को IIT बॉम्बे में एडमिशन दिलाने के लिए कोर्ट ने इस अनुच्छेद का एक बार फिर प्रयोग किया था। 2022 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे पिरारीवलन को छोड़ने के लिए कोर्ट ने मई 2022 में अनुच्छेद 142 का फिर से इस्तेमाल किया। अब इस मामले में अन्य 6 दोषियों को भी इसी अनुच्छेद के तहत रिहा कर दिया गया। फिलहाल इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहिए BD TV भारत।